वेलकम यू ऑल गाइज। ठीक है, तो हम लोग पिछले क्लास में देखे थे कि एंगल क्या होता है। ठीक है फ्रेंड्स, हम लोग पिछले क्लास में क्या देखे थे कि एंगल किसको बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका एंगल किसको बोलते थे, किसी भी रे को, किसी भी रे को हम लोग क्लॉक वाइज या एंटी क्लॉक वाइज इसके ऑरिजिन पॉइंट के अबाउट जो रोटेट करते हैं, तो ये जो रोटेशन का मेजरमेंट होता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एंगल बोलते हैं। अगर ये क्लॉक वाइज होगा तो पॉजिटिव होगा, और अगर एंटी क्लॉक वाइज, अगर इसी का रोटेशन हम लोग का क्या हो जाएगा, एंटी क्लॉक वाइज, तो ये एंगल क्या हो जाएगा, निगेटिव। तो ये चीज़ देखे थे। तो आज हम लोग देखेंगे कि मेजरमेंट सिस्टम के बारे में, किसके बारे में देखेंगे, मेजरमेंट सिस्टम, एंगल मेजरमेंट का क्या क्या सिस्टम होता है। ठीक है, तो हम लोग किसके बारे में देखेंगे, मेजरमेंट ऑफ एंगल्स, किसके बारे में देखेंगे, मेजरमेंट ऑफ एंगल्स। तो ये मेजरमेंट ऑफ एंगल्स क्या होता है कि जैसे हम लोग पढ़ते हैं कि किसी को भी हम लोग डिग्री में मेजर करते हैं, कहीं पे 30 डिग्री लिखा हुआ है या 60 डिग्री लिखा हुआ है, तो ये जो मेजरमेंट होता है ये डिग्री मेजरमेंट कहलाता है या ब्रिटिश मेजरमेंट सिस्टम कहलाता है। ठीक है फ्रेंड्स, दूसरा हम लोग का मेजरमेंट सिस्टम होता है रेडियन में, जैसे हम लोग क्या बोल देते हैं कि पाई रेडियन है या पाई बाय टू रेडियन है। ठीक है फ्रेंड्स, क्या बोल देते हैं, पाई बाय टू रेडियन है, तो ये हम लोग का क्या कहलाता है, सर्कुलर सिस्टम कहलाता है। उसके अलावा मेजरमेंट का एक और सिस्टम होता है, जैसे कहीं पे हम लोग का क्या लिखा हुआ है, 50 ग्रेड्स, क्या लिखा हुआ है, 50 ग्रेड्स, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 50 ग्रेड। तो ये भी एक एक्चुअली एंगल मेजरमेंट का यूनिट है। ग्रेड क्या है, मेजरमेंट का यूनिट है, जैसे डिग्री और रेडियन क्या है, एंगल मेजरमेंट का यूनिट है, सिमिलरली ग्रेड भी क्या है। तो ये हम लोग का फ्रेंच सिस्टम कहलाता है, क्या कहलाता है, फ्रेंच सिस्टम। तो देखते हैं किसी ढंग से एंगल मेजरमेंट का जो तीन इंपॉर्टेंट सिस्टम है वो क्या क्या है। सबसे पहला हम लोग का क्या है, ब्रिटिश सिस्टम। ठीक है, क्या है, ब्रिटिश सिस्टम, या इसकी को हम लोग क्या बोलते हैं, डिग्री मेजरमेंट, क्या बोलते हैं, डिग्री मेजरमेंट बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें थीटा को हम लोग किस में मेजर करते हैं, डिग्री में। थीटा को किस में मेजर करते हैं, डिग्री में मेजर करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, दूसरा हम लोग का है सर्कुलर सिस्टम, क्या है, सर्कुलर सिस्टम, ये हम लोग का होता है क्या, रेडियन मेजरमेंट, क्या होता है, रेडियन मेजरमेंट। तो ये जो हम लोग का डिग्री या रेडियन मेजरमेंट है, ये हम लोग का एसआई सिस्टम भी कहलाता है, कि इसका अगर एसआई सिस्टम पूछा जाए तो क्या होता है एंगल का, रेडियन, क्या होता है, एसआई सिस्टम क्या होता है, रेडियन। तो दैट मीन्स हम लोग का एसआई सिस्टम भी क्या कहलाएगा, रेडियन मेजरमेंट। ठीक है फ्रेंड्स, या इसी को हम लोग सर्कुलर सिस्टम भी, हम लोग आगे देखेंगे इसको सर्कुलर सिस्टम क्यों बोलते हैं। तीसरा हम लोग का इंपॉर्टेंट है फ्रेंच सिस्टम, क्या होता है, फ्रेंच सिस्टम, इसमें किस टाइप का एंगल मेजरमेंट होता है, तो ग्रेड मेजरमेंट होता है, क्या होता है, ग्रेड मेजरमेंट, इसमें हम लोग ग्रेड मेजरमेंट के बारे में पढ़ते हैं। तो किसी भी एंगल को अगर हम लोग ग्रेड में मेजर करें तो वो फ्रेंच सिस्टम कहलाएगा, रेडियन में मेजर करें तो वो सर्कुलर सिस्टम कहलाएगा, डिग्री में मेजर करें तो क्या कहलाएगा, ब्रिटिश सिस्टम। ठीक है फ्रेंड्स, तो जैसे कि अगर कोई लेंथ का यूनिट होता है, मीटर होता है, सेंटीमीटर होता है, किलोमीटर होता है, तो उनमें कुछ ना कुछ रिलेशंस होते हैं। सिमिलरली जो हम लोग का ये डिग्री मेजरमेंट है या सर्कुलर मेजरमेंट सिस्टम है या फ्रेंच सिस्टम है, तो इसमें क्या होता है, कुछ रिलेशंस होते हैं। तो हम लोग उस रिलेशंस के बारे में देखेंगे कि वो रिलेशन क्या होता है। तो जैसे कोई एक पॉइंट है, ठीक है फ्रेंड्स, अगर इस पॉइंट पे पूछा जाए कि कितना एंगल फॉर्म होता है, अगर इस पॉइंट पे पूछा जाए कि कितना एंगल फॉर्म होता है, तो इसको अगर हम लोग डिग्री में बोलेंगे तो क्या बोल देंगे, 360 डिग्री का एंगल फॉर्म होता है। जैसे ये थीटा पूछ दें कितना है, तो ये जो हम लोग एक कंप्लीट रोटेशन दिए किसी पॉइंट के अबाउट, तो ये कितना एंगल होता है, 360 डिग्री होता है। सिमिलरली अगर इसको हम सर्कुलर सिस्टम में मेजर करें, तो एक कंप्लीट रोटेशन जो है ना हम लोग का फ्रेंड्स, 2π रेडियन के बराबर होता है, किसके बराबर होता है, 2π रेडियन। तो दैट मीन्स पाई इक्वल टू हम लोग का जो पाई रेडियन होगा, पाई रेडियन किसके बराबर हो जाएगा, 180 डिग्री, किसके बराबर हो जाएगा, 180 डिग्री। ठीक है फ्रेंड्स, अगर इसी को हम लोग फ्रेंच सिस्टम में मेजर करें कि एक पॉइंट पे कितना एंगल फॉर्म होता है, तो वो क्या हो जाएगा, हम लोग का 400 ग्रेड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 400 ग्रेड। तो डेट मीन्स कि यही जो थीटा, अगर हम लोग डिग्री में मेजर करें तो 360 डिग्री हो जाएगा, ग्रेड में मेजर करें तो 400 ग्रेड हो जाएगा, अगर हम लोग इसको रेडियन में मेजर करें तो ये क्या हो जाएगा, 2π रेडियन हो जाएगा। सिमिलरली जैसे हम लोग का क्या बोलें, ये जो लेंथ है L,
इसको मान लेते हैं 1 मीटर, तो दैट मीन्स इसको सेंटीमीटर में अगर हम लोग मेजर करें तो यही लेंथ क्या हो जाएगा, 100 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 100 सेंटीमीटर हो जाएगा। दैट मीन्स कि 1 मीटर इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, 100 सेंटीमीटर। तो सिमिलरली हम लोग का यही एंगल सिस्टम होता है कि हम लोग का डिग्री में, दैट्स मीन्स कि हम लोग का जो 360 डिग्री है, इसको हम लोग स्मॉल जीरो से दिखाते हैं, ये डिग्री होता है, ठीक है फ्रेंड्स। ये किसके बराबर हो जाएगा, 2 पाई। रेडियन को हम लोग एक स्मॉल सी से दिखाते हैं क्योंकि सर्कुलर सिस्टम, इसलिए इसको हम लोग किससे दिखाते हैं, स्मॉल सी से। दैट मीन्स 2 पाई रेडियन। और ग्रेड में अगर इसको हम लिखें तो ये क्या हो जाएगा, 400 ग्रेड के। और जी को हम लोग स्मॉल जी से दिखाते हैं, ग्रेड को किससे दिखाते हैं, स्मॉल जी से। दैट मीन्स ये वैलिड होगा। और ये सब क्या है, वही सेम जो एंगल हम लोग मेजर किए हैं थीटा, उसका है। तो दैट मीन्स इसको अगर हम लोग आगे लिखें तो इसको क्या लिख सकते हैं, 1/360 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/2 पाई रेडियन इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/400 ग्रेड। क्या हो जाएगा, 1/400 ग्रेड, ठीक है फ्रेंड्स। तो दैट मीन्स अगर कोई नंबर ए है तो 1/a इक्वल टू 1/a, अगर कहीं पे फ्रेंड्स की जैसे कोई नंबर a इक्वल टू b लिखा हुआ है तो इसको हम लोग 1/a इक्वल टू 1/b लिख सकते हैं। तो ये भी इक्वलिटी क्या होगा, एग्जिस्ट करेगा। तो सपोज दैट कि हम लोग कंप्लीट एंगल, अब हम सपोज दैट मान लेते हैं हमको क्या एंगल मेजर करना है, ये एंगल मेजर करना है। क्या मेजर करना है, ये एंगल कितना होगा, ठीक है फ्रेंड्स। सपोज दैट इसको हम लोग क्या मान लेते हैं, थीटा। तो हम लोग क्या करते हैं कि ये सारे में थीटा से मल्टीप्लाई कर देते, ये क्या हो जाएगा, थीटा बाई 360 डिग्री हो जाएगा। दैट मीन्स यहाँ भी हमको थीटा से मल्टीप्लाई करना, थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 पाई रेडियन हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, थीटा बाई 400 ग्रेड। दैट मीन्स हम लोग क्या किए कि थीटा से सबको मल्टीप्लाई कर दिया, क्या किया, थीटा से सबको मल्टीप्लाई कर दिया। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि अब ये थीटा हमको देख के नहीं पता चला कि डिग्री में है या रेडियन में है या कौन सा थीटा क्या है। तो हम लोग इसको अलग से मान लेते हैं कि अगर कोई भी हम लोग डिग्री में मेजर किए थीटा को, उसको हम क्या बोल देंगे, डी। कहीं पे थीटा इक्वल टू क्या लिखा हुआ है, 30 डिग्री लिखा हुआ है, दैट मीन्स उसको हम लोग क्या बोल देंगे, डी। सिमिलरली अगर कहीं पे थीटा इक्वल टू हम लोग का π/6 रेडियन लिखा हुआ, क्या हुआ लिखा हुआ है, π/6 रेडियन, तो उसको हम लोग क्या मान लेंगे, आर। या कहीं पे सिमिलरली थीटा इक्वल टू कहीं पे 50 ग्रेड लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, 50 ग्रेड, तो उसको हम लोग क्या मान लेंगे, जी। तो सिमिलरली उसी थीटा को हम क्या मान लिए, डी मान लिए। तो ये क्या हो जाएगा, डी बाय 360 डिग्री इक्वल टू, अगर हम लोग रेडियन में मेजर किए तो उसी को क्या मान लेंगे, आर। थीटा की जगह क्या यूज कर दिए, आर, आर बाई 2π। सिमिलरली अगर हम लोग यहां देखें तो थीटा की जगह हम लोग क्या यूज करेंगे, जी। क्या यूज करेंगे, जी बाई क्या हो जाएगा, 400 ग्रेड, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये हम लोग का हो गया। अगर इसको हम लोग सिंप्लीफाई करें, इसको हम लोग क्या करें, सिंप्लीफाई करें, दैट मीन्स हम लोग क्या किए, अब सबको क्या किए, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या कर देंगे, 4 से, क्या किए, देखिए कुछ कट जाएगा नीचे से, ठीक है फ्रेंड्स, इक्वलिटी साइन में। दैट मीन्स 4 से अगर इसको हम लोग कट करें, इसको भी हम लोग क्या किए, 4 से मल्टीप्लाई कर दी, इसको भी 4 से मल्टीप्लाई कर दी, और इसको भी क्या किए, 4 से मल्टीप्लाई कर दी, ऐसा हम लोग कर सकते हैं। ये हम लोग का क्या हो जाएगा, डी बाई 90 डिग्री। क्या हो जाएगा, डी बाई 90 डिग्री इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, 2R बाई क्या हो जाएगा हम लोग का, पाई रेडियन। 2R बाई क्या हो जाएगा, पाई रेडियन। इसी को हम लोग लिखें तो ये क्या हो जाएगा, जी बाई 100 ग्रेड। ये 4 से क्या कट कर दिए, ये 2 से क्या हो गया, 2 हो जाएगा, और ये 4 से कितने टाइम्स में कट जाएगा, 90। दैट मीन्स हम लोग का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला यहाँ से पता चला है कि अगर हम लोग का डी बाई 90 डिग्री इक्वल टू क्या हो गया, 2R बाई पाई हम लोग का क्या हो जाएगा, रेडियन, इक्वल टू हम लोग का क्या आ गया, जी बाई 100 ग्रेड, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है अगर किसी भी एंगल से किसी में भी कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो हम लोग कुछ एग्जाम्पल देखेंगे। तो जैसे हम लोग का क्या दे दे, थीटा इक्वल टू क्या दे दिया, 60 डिग्री, तो इस थीटा को हम क्या मान लेंगे, डी मान लेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। अब पूछ दे कि आर इक्वल टू क्या होगा, दैट मीन्स क्या पूछ देगा, थीटा इक्वल टू कितना रेडियन हो जाएगा, थीटा इक्वल टू कितना रेडियन होगा, ये पूछे। तो इसको हम लोग क्या मान, हम लोग क्या करेंगे, इसमें इस दो पार्ट को लेंगे, दैट मीन्स क्या करेंगे, डी बाय
90 डिग्री इक्वल टू क्या ले लेंगे, 2r बाई पाई रेडियन, ये दोनों का कन्वर्सन देखना है। तो अब लोग हम लोग देखते हैं ध्यान से कि d के जगह हम लोग क्या यूज करेंगे, कि d के जगह हम लोग का क्या दिया, 60 डिग्री दिया है, मतलब हम लोग क्या कर देंगे, 60 डिग्री बाय 90 डिग्री इक्वल टू हम लोग का क्या हो जाएगा, 2r बाई पाई रेडियन। तो दैट मीन्स अगर हम लोग यहां से r का वैल्यू फाइंड करें तो ये क्या हो जाएगा, 60 डिग्री इंटू पाई रेडियन, ये क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। सिमिलरली हम लोग का नीचे डिवीजन में क्या है, 90 डिग्री है, और ये हम लोग का क्या, इधर 2 मल्टीप्लाई में है, तो ये 2 इधर आके क्या हो जाएगा, डिवीजन में। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब हम लोग देखते हैं कि इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा हम लोग का, इसको अगर हम लोग कट करें तो 30 से तो ये 2 बार में होगा, और ये कितने बार में हो जाएगा, 3 बार में, ये 2 और ये 2 हम लोग का कट जाएगा, दैट मीन्स ये क्या बच गया हम लोग का, पाई रेडियन बाय 3, या इसी को हम लोग क्या बोल सकते हैं, पाई बाय 3 रेडियन। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस टाइप से कोई भी एंगल जैसे हम लोग का कहीं पे दे दिया थीटा इक्वल टू क्या दे दिया, पाई बाय 2 रेडियन, दैट मीन्स ये किसका वैल्यू है, आर का। अब हमको किस में एंगल फाइंड करना है कि डी में, इसको डिग्री में क्या होगा, डी इक्वल टू दैट मीन्स थीटा इक्वल टू कितना डिग्री होगा, ये हमको फाइंड करना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो दूसरा एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, ये है पहला एग्जाम्पल, हम लोग क्या देखे थे, जब थीटा इक्वल टू डिग्री में उसको रेडियन में कैसे कन्वर्ट। सिमिलरली अगर हमको रेडियन में दिया तब डिग्री में कन्वर्ट, तो वही हम लोग फिर से यूज करेंगे, डी बाई क्या हो जाएगा, 90 डिग्री इक्वल टू 2r बाई पाई रेडियन। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे कि जहां पे हम लोग का r है उसके जगह क्या यूज कर देंगे, पाई बाई 2, दैट मीन्स डी बाय 90 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा, नेक्स्ट लाइन हम लोग का, कि r के जगह हम लोग पाई बाय 2 रखेंगे, तो 2 इंटू क्या हो जाएगा, पाई बाय 2 बाय हम लोग का क्या हो गया, पाई। तो ये हम लोग का रेडियन, ये 2 और 2 क्या होगा, कट जाएगा, और यहां से हम लोग का देखते हैं तो पाई और पाई भी क्या होगा, कट जाएगा। दैट मीन्स हम लोग नेक्स्ट लाइन देखें तो ये क्या हो जाएगा, डी बाय 90 डिग्री इक्वल टू क्या हो गया, 1, दैट मीन्स डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। तो इस तरह से फ्रेंड हम लोग को किसी भी कन्वर्सन को कर सकते हैं। ठीक है, तो कुछ इंपॉर्टेंट कन्वर्सन होते हैं जो कि हम लोग को बार बार यूज आएगा, जैसे कि 30 डिग्री दिया हो, ये क्या हो जाएगा, पाई बाय 6 रेडियन हो जाएगा। कहीं पे हम लोग को 45 डिग्री दिया हुआ, ये हम लोग का क्या हो जाएगा, पाई बाय 4 रेडियन हो जाएगा। दैट मीन्स कहीं पे अगर हम लोग को 60 डिग्री दिया हुआ, ये क्या हो जाएगा, पाई बाय 3 रेडियन के इक्वल हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, कहीं पे अगर हम लोग को 90 डिग्री दिया हुआ है, दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा, पाई बाय 2, अभी हम लोग देखे तुरंत क्या हो जाता है, पाई बाय 2 रेडियन हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर कहीं पे सपोज दैट 120 डिग्री दिया हुआ, ये हम लोग का क्या हो जाएगा, 2 पाई बाय 3 रेडियन हो जाएगा। अगर हम लोग का 180 डिग्री दिया हुआ, ये हम लोग का क्या हो जाएगा, पाई रेडियन हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अगर कहीं पे हम लोग को सपोज दैट कि 270 डिग्री दिया हुआ, क्या दिया हुआ, 270 डिग्री, ये हम लोग का 3 पाई बाय 2 रेडियन हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, या 360 डिग्री दिया हुआ, ये हम लोग का क्या हो जाता है, 2 पाई रेडियन। तो ये सब काफी इंपॉर्टेंट है जो कि हम लोग को बार बार यूज होगा, तो हर बार हम निकालेंगे नहीं इसको, थोड़ा कुछ प्रैक्टिस के बाद हम लोग को अपने याद हो जाएगा कि हम लोग किस एंगल को रेडियन में क्या लिख सकते हैं। तो ये सब काफी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। तो हम लोग ये एंगल मेजरमेंट सिस्टम के बारे में देखें, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे कि ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो क्या होता है, किसके बारे में देखेंगे, TR, कि ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो क्या होता है और क्या क्या ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज होते हैं इसके बारे में। तो फ्रेंड्स, हम लोग अभी तक एंगल्स के बारे में स्टडी कर लिया है। थैंक यू, अगर आपको ये पसंद आया तो ज़रूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।